गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज महीने का पहला संडे है तो आज कुछ सरप्राइज है। तो अपने कॉलेज जर्नी की मैं बात करूंगा। भाई अपने गांव में पैदा हुए और गांव के लोगों के पास दो चीज़ें बहुत होती हैं, एक एक्सपेक्टेशंस, दूसरी होप। और इसी उम्मीद को लेकर के हम भी आगे बढ़ ही रहे थे तब तक हमारे ऊपर टैग लग गया, बेटा बड़ा होके आईएएस बनेगा। हम तो गांव के गुल्ली डंडा खेलने वाले, हमने सोचा बड़े होके क्रिकेटर बनेंगे। ग्यारहवीं में जाके पता चला कि अपने अंदर तो टैलेंट ही नहीं है। अब भाई सब डॉक्टर इंजीनियर बन रहे थे, हमने सोचा चलो हम भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे। अब इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे थे तब तक कि ग्यारहवीं के लास्ट में प्यार हो गया। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, बारहवीं में लड़की भी पटा लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे। लड़की के पीछे भागते भागते बारहवीं भी बीत गई, बोर्ड के एग्जाम क्लियर हो गए, ना लड़की मिली ना पढ़ाई हो पाया। अब भाई सब डॉक्टर बनने जा रहे थे तो हमें भी डॉक्टर बनना था, हम भी निकल गए लखनऊ। लखनऊ जाने के बाद चारों तरफ कोचिंग सेंटर कोचिंग सेंटर, सबके अपने अपने फंडे हैं, यहाँ एडमिशन वहाँ एडमिशन, पर अपना फंडा एकदम क्लियर है। हम एडमिशन वहीं लेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा लड़कियाँ होंगी। और इसी तलाश में एक कोचिंग सेंटर दिख गया जहाँ से चार पाँच सुंदर सुंदर लड़कियाँ आ रही थी, बस अपना फंडा एकदम क्लियर। हम भी वहाँ पहुँचे, हमने लड़कियों को देख के डिसाइड भी कर लिया, भाई लाल वाली तेरी, पीली वाली उसकी और नीली जींस वाली मेरी। पर एडमिशन लेने के दो दिन बाद पता चला ये तो रिसेप्शनिस्ट थी, हर साल कोचिंग वाले चूतिया काटने के लिए ऐसे तीन चार लड़कियों को बैठा देते और हम जैसे बेचारों का चूतिया काट देते हैं। भाई पढ़ाई तो वहीं झंड हो गई, अब आगे की बात ही ना करो, अपना दिल टूटा था, हमने तो पढ़ना ही छोड़ दिया। साल बीतने के बाद जब रिजल्ट आया तो पता चला अच्छे लड़के MBBS, उससे कम वाले BDS, और कुछ हमारे जैसे थे जो प्राइवेट कॉलेज से BDS। क्यों? क्योंकि हमें तो डॉक्टर बनना था। अब इसी खुमार में हम कॉलेज में पहुंच गए। अब कॉलेज में पहुंचे तो कॉलेज में पहली रात को तो हमको नींद ही नहीं आई, क्योंकि अपने भाई की तो किस्मत खुल गई, भाई 20 लड़के 80 लड़कियाँ। और पहले रात को जो नींद नहीं आई उसका एक कारण था सीनियर से इंट्रोडक्शन, और सीनियर से इंट्रोडक्शन भी साला अजीब अजीब टाइप के सीनियर हैं। कुछ तो भाई ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं, वो जो तूने गेट पे देखा है ना शीशम का पेड़, उसका एक्सपीरियंस मुझसे कम है। कहा हाँ भाई, अब ये भी बोल दे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से तू निकला है। तो ऐसे कुछ सीनियर्स थे, और उन सीनियर्स को देख के एक बात और पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है, जो फाइनल ईयर में होकर फर्स्ट ईयर की लड़की पटाते हैं और फिर 5 साल का इंतजार करते हैं और हमारे जैसे जूनियर से कहते हैं उस शीशम के पेड़ का एक्सपीरियंस मुझसे कम है। हम कॉलेज में पहुंचे, और कॉलेज में पहुंचे तो कॉलेज में एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है, लड़कियों की तीन कैटेगरी, एक अच्छी, एक बहुत अच्छी, एक एकदम डफर। तो डफर वाली को तो हम छूते भी नहीं, और बहुत अच्छी वाली को हम दूर से हाय बाय कर देते हैं, और कभी कभी उनके फेसबुक स्टेटस पे लिख देते हैं वाओ ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि वो हमारे सीनियर की होती हैं। हम देखते हैं बीच वाली को, अपना लेवल वही है। लड़कों की भी तीन कैटेगरी होती है, एक नॉर्मल जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है और वो 5 साल तक खुश रहता है, और एक चूतिया एक चमन चूतिया। और जो चूतिया और चमन चूतिया है भाई, ये चूतिया और चमन चूतिया में बस इतना सा डिफरेंस है कि ये जो चूतिया है ये चमन चूतियों को देख के बस इस बात पे खुश होता है, भाई मैंने 5 साल तक जूते चाटे पर मेरे पास गर्लफ्रेंड है, और उसने 5 साल तक जूते चाटे फिर भी उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है। तो इन्हीं डिफरेंसेस के साथ मेरे एक दोस्त ने एक लड़की पटा ली, वो भी टॉप क्लास वाली, और बोलता है भाई सच्चा प्यार है। मैं कहा मान जा भाई, तेरे से ना हो पाएगा। बोला ना भैया सच्चा प्यार है, पटा के रहेंगे। मैं कहा चल देखते हैं, वैसे सोच ले आज भी तेरे गांव में छत के ऊपर से हवाई जहाज जाती है तो तेरे बाप दादा तीर धनुष लेके खड़े हो जाते हैं, आज सीता मैया को जाने नहीं देंगे। तेरे घर पर लैट्रिन रूम घर में नहीं, घर से 10 फुट दूर बनता, और तू साले टॉप क्लास वाली को पटाने चला है। पर भाई तो अपना जीत पे अड़ा था, नहीं पटा के रहेंगे। मैं कहा चलो। पहले दिन क्लास में बैठे, लड़की ने आगे से अपना नाम लिख के दिया प्रिया, भाई ने भी पीछे से अपना नाम लिखा दीपक, और एक दिल बना के दो तीर मार के वापस कर दिया, और पलट के पीछे क्या बोलता है भाई अपनी सेटिंग हो गई। लड़की ने अपना नाम लिख के दिया, मैं कहा अबे चूतिया नाम लिख के नहीं दिया, अटेंडेंस सीट थी, तुझे पीछे पास करनी थी। तो कुछ इस टाइप के अपने भाई लोग होते हैं। और भाई इसके बाद कॉलेज में ना जब कुछ दिन बीत जाता है तो ग्रुप्स बनते हैं, और ग्रुप पता कैसे बनते हैं,
तीन कपल एक सिंगल। और ये सिंगल होता है, ये वही चमन चूतिया होता है जिसको सिर्फ ग्रुप में इसलिए रखा जाता है कि पैसा बराबर बराबर कंट्रीब्यूट हो सके। लड़का तो लड़की के साथ खुश है, पर ये जो अपना चमन चूतिया, ये सिर्फ इस बात पे खुश है कि अपने ग्रुप में भी लड़की है, मैं भी सेल्फी ले सकता हूँ। तो ये चूतिये को इसी बात पे खुश होने देते हैं। और आप सोचते होंगे ऐसे चूतिये आते कहाँ से हैं? भाई ये वही चूतिये होते हैं जो हॉलीवुड की मूवी हिंदी में डब करके देखते हैं और फिर आके बोलते हैं भाई टॉम क्रूज और ब्रैड पिट की आवाज एक जैसी है। ये वही चूतिये हैं जो खुद 5 साल तक एक लड़की नहीं पटा पाते हैं पर जूनियर को लड़की पटाने की टिप्स देते हैं। भाई ये वही चूतिये हैं जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है लेकिन हर बैच में इनकी एक बहन जरूर होती है। तो ऐसा कुछ रहा अपना कॉलेज का जर्नी। ओके बाय, गुड मॉर्निंग।